ही है यहां पे जब कंप्लेंट को आप इसको लॉक करेंगे। अब कंप्लेंट के स्टेटस क्या आएंगे, जैसे कंप्लेंट नंबर है, हमने इसको खोला, ये रेलिवेंट ऑफिसर डेस्क ही खुला हुआ है। जी जी, ये रेलिवेंट ऑफिसर डेस्क खुला है। अब इस पे उसने कोई काम किए, फर्स्ट लेटर लिखा, लेटर लिख के उसका जवाब आया था उसके पास, वो वाला यहाँ पे अटैचमेंट का पोर्शन आपको अपना एक्टिव हो गया। आप देखें कि अटैचमेंट में हमने उसको ओपन किया, वो जो लेटर था, जो भी हमारे पास आया था, सवाल हमने किया था, जो जवाब आया था उसको हमने स्कैन किया, स्कैन करके हमने उसको जो भी फाइल नेम दिया था वो चूज फाइल की, उसको अटैच कर दिया। कोई भी फाइल आई उसको अटैच कर दिया, जैसे ही हमने इसको अटैच किया तो अब हम उसके बाद फिर वापस चले गए। अब रेलेवेंट ऑफिसर का जो काम है वो रिसीव डेट जो है, रिसीविंग डेट, उसको एक्टिव लाजमी करना है, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहेगी कंप्लेंट। जैसे ही हम इसको रिसीव करेंगे तो ये आज की डेट में, इसको 17 तारीख है आज, ये 17 की तारीख में रेलेवेंट ऑफिसर को रिसीव होगी। किसकी तरफ से? फोकल पर्सन की तरफ से। मगर ये कंप्लेंट थी कौन सी? वही जो 4 दिन पहले हमारे पास आई थी, जिसका हमने प्रिंट निकाला था, और प्रिंट निकाल के हमने सबडिवीजन में, आरओ में, कहीं पे भी हमने इसको भेजा था। ये हमने इसको रिसीव कर लिया, कंपिटेंट ऑफिसर का काम मुकम्मल हुआ। इसके बाद नीचे कुछ इसके जो है, इसके इसी कंप्लेंट में सर आई स्टेटस, हाँ, इसका स्टेटस हमने देखा कि स्टेटस था क्या, हमने क्या किया, अब फर्दर क्या हुआ। यहाँ पे हम ये देखें कि सर्टन डॉक्यूमेंट्स कार्ड फ्रॉम द कंप्लेनेंट, ये कुछ इसके स्टेटस लिखे हुए, रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम द कंसर्न सेक्शन, रिपोर्ट नॉट रिसीव्ड विद इन ड्यू डेट, रिमाइंडर इशूड, कंप्लेनेंट कार्ड फॉर पर्सनल हियरिंग, ये जो भी मुनासिब आप इसका स्टेटस होगा वो आप इसका स्टेटस देंगे। स्टेटस देके उसका लेटर नंबर मेंशन करेंगे, लेटर नंबर मेंशन करके उसकी ड्यू डेट उसको बता के उसको सेंड कर देंगे। जैसे ही आपने सेंड किया, आप देखें आपकी कंप्लेंट हिस्ट्री में क्या आया उसके एक्टिविटी डेस्क के ऊपर, ए सर्टन डॉक्यूमेंट्स कार्ड फ्रॉम द कंप्लेनेंट, जी हमने उसी कंप्लेंट को चेक किया कि जी वाकई जो काम पीछे हुआ है वो उसकी एक्टिविटी डेस्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम यहाँ से बैक में, अगर हमें जरूरत है प्रिंट लेने की, अगर वो पर्सन हमारे पास मौजूद है, हमारे पास आ गया तो हम उसको प्रिंट निकाल के उसको दे सकते हैं। इसके बाद इस कंप्लेंट को हमने फॉरवर्ड कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेस्क को। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया, इसको चेक किया, हम कंप्यूटर अथॉरिटी डेस्क पे आए, ये तीसरे नंबर पे कंप्लेंट पड़ी हुई है मिस्टर अली की। ये वाली कंप्यूटर अथॉरिटी इसको आगे चेक करेगी कि जी ये कंप्लेंट थी, ये काम इसके ऊपर हुआ, वो काम क्या था जो आपने अटैचमेंट्स की सूरत में लगाया था, ठीक हो गया जी। आप कंप्यूटर अथॉरिटी इसको फॉरवर्ड फॉर डिस्पोजल करें। कंप्यूटर अथॉरिटी ने क्या किया, उसके माइंड में क्या था कि मैंने इसको क्या करना है, इसे पेंडिंग रखना है, ये कंप्यूटर अथॉरिटी का काम है। अब कंप्यूटर अथॉरिटी क्योंकि ये डिवीजन का काम है, डिवीजन में ही रहना है, तो हमने इसको बेसिकली खत्म करना है, हमने उसका मसला रिजॉल्व कर दिया है, तो हम उसको साइन कर देंगे, साइन करते ही उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, अपना उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको रिलीफ दे दिया, उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी तो ये हमने एक पे कंप्लेंट लिखी है तो हम इसको रिलीफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग जो है जिसका मसला हल करेंगे उसका रिलीफ लिख देंगे, हम इसको क्लोज कर रहे हैं साइन करके। तो हमने इसको क्लोज किया तो आप ये देखें कि ये कंप्यूटर अथॉरिटी डेस्क से ये निकल गया, ये डिस्पोज कंप्लेंट्स में से मैं ये कंप्लेंट आपके पास नजर आ रही है, ये कंप्लेंट हमने फलां डेट को जो है वो डिस्पोज कर दी है, उसका स्टेटस आपको नजर आ रहा होगा।